तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश व्लॉग। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ लेजर शो देखने, जो कि एक केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी में। वो बस आ रही है, आपको दिख रही होगी। ये बस के अंदर हम बैठ के जाएंगे और ये बस का जो भी प्राइस है वो इंक्लूडेड रहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्राइस में। तो फिर बस आ चुकी है, मैं आ चुकी हूँ और ये हमारी बस जा रही है। ये अभी एक और बस खड़ी है, इधर बस ही बस है, आपको जब भी जाना है आप जा सकते हो। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का दिख रहा होगा छोटा सा, लेकिन वो बहुत बड़ा है। और ये सब सारी बसों की जगह है जहाँ पे बस जाती हैं। तो ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार, तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार, ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो संतान। अंग्रेजों के सक्रिय सिपाही थे झले भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के पांच बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नड़ियाल से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेरबाई से। दो बच्चों बेटी मणिबहन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेरबाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। टीडाला में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल, विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब
वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा देश ने बनाया है ये समझ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। और उनका साथ दिया भारत की समा 7 करोड़।